पूरे बिहार में साक्षमता पास शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग जारी है। कटिहार में भी लगभग 4000 से अधिक साक्षमता पास शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग डीआरसी भवन में चल रहा है। बड़ी बात यह है कि इस काउंसलिंग के मॉनिटरिंग शिक्षा विभाग के वरीय अधिकारी खुद से कर रहे हैं ताकि सभी चीज व्यवस्थित रहे। काउंसलिंग पूरा करने वाले शिक्षक अभ्यर्थी भी व्यवस्था से संतुष्ट दिखते हैं। हालांकि अन्य जिला से आए अभ्यर्थी कहते हैं कि अगर गृह जिला में मौका मिल जाए तो और बेहतर होता। कटिहार डीआरसी भवन में चल रहे साक्षमता पास शिक्षा अभ्यर्थियों के काउंसलिंग पर जिला शिक्षा पदाधिकारी से साक्षमता पास अभ्यर्थियों से बातचीत पर एक खास रिपोर्ट। अब देख रहे होंगे पूरा सेंट्रली मॉनिटर्ड है, पोर्टल बेस्ड पूरा सिस्टम है, पोर्टल बेस्ड अटेंडेंस हो रहा है। स्लॉट में हम लोगों का 5 स्लॉट बटा हुआ है। आज प्लस टू और लाइब्रेरियंस का है, टोटल कैंडिडेट्स आज 94 हैं, 5 स्लॉट्स में हो रहा है और सब मिला के 5 काउंटर्स हैं। तो ऐसी व्यवस्था स्टेट लेवल से ही की गई है कि अभ्यर्थी शिक्षक अभ्यर्थियों को कठिनाई नहीं हो। सूचनाओं का जो संप्रेषण है इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, इसलिए हम लोग को भी सुविधा हो रही है और कैंडिडेट को भी सुविधा हो रही है। आप खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं क्या, जो स्टूडेंट है कितना संतुष्ट है व्यवस्था? मोटे तौर पे जिनसे हमारी बात हो रही है दिक्कत लोगों को नहीं है, थोड़ा गर्मी है तो उसका तो असर है, लेकिन लोग संतुष्ट हैं। बाकी आप कुल कितने सब यहाँ पे? इस जिले के लिए अलॉटेड सीट 4480। अरे कितने स्लॉट में हो रहा है? प्रत्येक दिन 5 स्लॉट में हो रहा है। मेरे जानकारी में किसी को कोई कठिनाई नहीं है। उम्मीद करते हैं कि लोग जैसे आज अच्छा से हो रहा है आगे भी अच्छा से हो जाए। बाहर के कैंडिडेट दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी कुछ आ रहे हैं। सर काउंसलिंग ठीक ठाक संपूर्ण जी? सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहेंगे सरकार को कि नियोजितों के बारे में बहुत देर से लेकिन दुरुस्त सोचा गया। और एक रिक्वेस्ट भी होगा कि जैसे कि हम लोग अररिया जिला के हैं और वहाँ 3 कंप्यूटर टीचर थे हम लोग और पूरा सीट खाली है, लेकिन फिर भी हम लोगों को कटिहार जिला आना पड़ रहा है। तो हमने खास करके और हमारे एक मित्र हैं उनका भी वही स्थिति है, कटिहार दे दिया है। तो हम लोगों ने काउंसलिंग करवा लिया है, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं करूँगा, नेक्स्ट काउंसलिंग फिर करवाऊँगा, फिर से तैयारी करके जो सक्षमता 2 होगा। तो हम लोगों का मेन प्रयास है कि घर में ही हो, कारण कि बच्चे छोटे हैं, माँ बाप भी बूढ़े हैं और पत्नी शिक्षिका है तो परेशानी है। शैक्षिक स्थानांतरण की बात हो रही है तो कितना मानते हैं कि ये होना चाहिए? देखिए जब तक मौखिक रहेगा तब तक तो नहीं मानेंगे, अगर वो पेपर में आ जाए तब उसके बारे में कुछ चर्चा भी हो सकती है, लेकिन अभी पेपरबाजी है और मौखिक है और हवाई है। ये क्या मांग करते हैं सरकार से? यही मांग करते हैं कि जो पुराने हैं 8 साल 10 साल 15 साल से जो कार्यरत हैं उनके बारे में विशेष करके सोचें। अभी जैसे बात चल रही है मौखिक ही बीपीएससी वालों और नियोजित वालों से फिर से लिया जाएगा, तो बीपीएससी वाले जब तक प्रोबेशन पीरियड में हैं तब तक उन्हें रहने दें, प्रोबेशन पूरा करें वो, तब तक नियोजितों को दे दें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आशीष कुमार झा है और